एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 2.2 में आप पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाएंगे कि जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल होता क्या है और आप जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल को फाइंड कैसे करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, हाउ यू कैन फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल। सो एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हम थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो है जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल। समझ लीजिए आपको एक पॉलीनोमियल ऐसे लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखी हुई है और उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि आप पहले वन डालिए और फिर जीरो उसकी वेरिएबल की वैल्यू रखे इस इक्वेशन के अंदर। तो आपको एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कि वो बोलेंगे कि आपको फाइंड करनी है पॉलीनोमियल की वैल्यू। कैसे फाइंड करनी है, आपको वेरिएबल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में, आपको एक उस इक्वेशन में रखनी है वैल्यू। जैसे कि इसमें आपको x की वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है, x की वैल्यू 1 है और 0, हमें ये दोनों वैल्यू इसमें रखनी है। तो हमने पहले रखा है x इज इक्वल टू 1, तो हमारा ये क्या हो गया p1, क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू 1 रख रहे हैं ना इधर। तो ये क्या हो गया 5 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 9। ये कितना हो गया, 1 का क्यूब इज 1, तो ये हो गया 5 प्लस 2 प्लस 9। ये कितना हो गया, 9 प्लस 2 इज 11 प्लस 5 इज 16। अब हम x की वैल्यू 0 रख कर देखेंगे कि जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो सबसे पहले तो हमने इसमें वैल्यू रखी थी 1, अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है 0। तो चलिए इस पॉलीनोमियल में अब 0 रख के देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स p इज 0 इक्वल टू 5 0 का क्यूब, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या रखी है 0, प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये 0 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा, प्लस 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 9। तो ये क्या आ गया आपका 9, मतलब जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल, मतलब अब आपको इस वेरिएबल की वैल्यू देखनी है कि आप क्या फाइंड करेंगे, कितनी फाइंड करनी है वो देखेंगे। जब आपको ऐसे दिया होगा, पहले तो आपको ऑलरेडी वेरिएबल की वैल्यू दी हुई थी, आपको इस इक्वेशन में रखनी थी, बट अब आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पी एक्स है, ये जो इक्वेशन है, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 4x + 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4x = 0, ये प्लस का 7 है यहाँ आएगा, तो ये माइनस का 7 हो गया। ये हो गया 4x = -7, ये हो गया x = -7/4। तो ये आपने वेरिएबल की वैल्यू कितनी निकाली, -7/4। ये आपने क्या निकाला है, जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली है, ये आपने निकाली है जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल की जो वैल्यू, ये जो आई है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे, अगर आपका आंसर जीरो आ गया, दैट मीन्स आपका ये जो वैल्यू जो निकला है वो करेक्ट है। चलिए हम x = -7/4 को इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं। क्या हमारी इक्वेशन, px = 4x + 7, ठीक है। हमने x की वैल्यू क्या फाइंड करी है, -7/4, तो ये लिख दिया p −7/4। हम ये −7/4 जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन, इस पॉलीनोमियल में डालेंगे, विच इज़ 4 × −7/4 + 7। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा आपका −7 + 7, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपने यहाँ पे जीरो पे पॉलीनोमियल में जो आपने वेरिएबल की वैल्यू डाली है, जो आपने वेरिएबल की वैल्यू आंसर में निकाली है और यहाँ पे रखी है, वो करेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको वो ऐसे दे कि ax + d में आपको फाइंड करना है जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल, तो आप इसमें कैसे फाइंड करेंगे, सेम आप इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, px = 0। इस इक्वेशन को आपने जीरो के इक्वल लिख दिया, तो ये क्या आ गया, ax + d = 0, ये आ गया ax = 0। ये प्लस का d है इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -d। ये हो गया ax = -d, 0 − d = -d। ओके, तो ये हो गया x = −d/a।
हैं।